स्टूडेंट्स, आज पढ़ेंगे हम क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 11, द मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट 1870 से 1947। अब इसमें पढ़ेंगे हम जो नेशनल मूवमेंट थी वो क्या थी उसके बारे में पढ़ेंगे और ये कैसे बनी नेशनल मूवमेंट। तो ये देखिए यहाँ पे पुलिस टीगर्स डिमॉन्स्ट्रेशन ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। तो ये क्विट इंडिया मूवमेंट की क्या है, एक फ़ोटो दी गई है, ठीक है। तो ये पुलिस के साथ कैसे यहाँ पर लड़ाई हुई थी, तो इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव लुकड एट, ठीक है। तो हमने जो हमारे पिछले चैप्टर्स है उसमें देखा था द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ टेरिटरीज एंड टेक ओवर ऑफ किंगडम्स, ठीक है। जो ब्रिटिशर्स है उसने हमारे प्रदेशों पर क्या कर दिया था, राज कर लिया था, और जो सारे राज्य थे, ठीक है, बड़े बड़े किंगडम्स, ठीक है। तो किंगडम्स राजा महाराजा के जो राज्य होते हैं वो सारे उन्होंने जीत लिए थे और कब्जे में कर लिए थे। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू लॉज एंड एडमिनिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूशन, फिर वो अपने नए नए लॉज लाने लग गए, ठीक है, किस तरीके से इंडिया चलेगा, ठीक है, वो अपने अपने नए तरीके लाने लग गए, इंस्टीट्यूशन उन्होंने खोलने लग गए। फिर चेंजेस इन द लाइफ ऑफ पीजेंट्स, ठीक है, जो हमारे अलग अलग चैप्टर्स है, ठीक है। तो हमने एक में क्या पढ़ा था, जो पीजेंट किसानों की लाइफ में जो चेंज आए, फिर हमने चैप्टर 4 पढ़ा था ट्राइबल डुकूस, ठीक है, उसमें ट्राइबल्स की लाइफ में क्या क्या चेंज आए थे। एजुकेशनल चेंजेस इन द 19th सेंचुरी, ठीक है, जो हमने सिविलाइजिंग द नेटिव एजुकेटिंग द नेशन में चैप्टर 7 में पढ़ा था, जो एजुकेशन में चेंजेस आए थे। डिबेट्स रिगार्डिंग कंडीशन ऑफ मूवमेंट चैप्टर 9 वुमेन रिफॉर्म्स में हमने पढ़ा था कि कैसे कैसे जो वुमेंस की लाइफ में चेंज आए थे। चैलेंजेस टू कास्ट सिस्टम, क्या क्या कास्ट सिस्टम में चेंज आए। सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म, ठीक है, जो धर्म से रिलेटेड जो न्यू रिफॉर्म्स बने, ठीक है, रूल्स रेगुलेशन बने, वो पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था फाइनली क्या हुआ, देखिए अब पीजेंट्स जो थे उनके ऊपर भी इतना, मतलब उनकी लाइफ में चेंज किए गए, उनको टैक्स देना पड़ता था। फिर एजुकेशन में भी काफ़ी मतलब सबको पढ़ने का हक नहीं था एक तरीके से। फिर वुमेंस में मतलब डिबेट हुए, तो इनके इन सब का कहीं ना कहीं क्या था, जो इंडियंस थे उनके ऊपर काफ़ी भरे हुए थे इंडियन, ठीक है। तो फाइनली उनका क्या हुआ, फिर 1857 में वर्ल्ड वॉर, मतलब आप क्या कह सकते हैं, वॉर हुआ था एक बहुत ही भयंकर। तो डिक्लाइन ऑफ क्राफ्ट एंड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज, ठीक है, हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 8 थिंग आई थिंक 6 है आपका, आयरन स्मेल्टर्स वीवर्स वाला है ना, उसमें कैसे वो अपनी इंडस्ट्री सेटअप करने लग गए थे और जो इंडिया अपना ऑक्यूपेशन था वो गंवाने लग गया था। जो पीजेंट्स थे यहाँ पर काम करते थे उनका काम छिन गया था, वीवर्स थे यहाँ के। तो ऑन द बेसिस, ठीक है, जो हमने चैप्टर्स पढ़े उनके बेसिस पर क्या आपको ये नहीं लगता है कि जो इंडियंस थे उनके अंदर कहीं ना कहीं डिसकंटेंटमेंट था, असंतुष्टि थी ब्रिटिश रूल को लेकर। इफ़ सो हाउ वर दी डिफरेंट ग्रुप्स एंड क्लासेस डिसटिस्फाई, अगर ऐसा था तो जो अलग अलग ग्रुप्स थे और क्लासेस थी वो कैसे असंतुष्ट थे, ठीक है। तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे द इमर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म, ठीक है, अब क्या आया, नेशनलिज्म आया, ठीक है। जो हमारी ये डेवलपमेंट हुई जो हमने ऊपर पढ़ी, ठीक है, रिफॉर्म्स आए हमारे एजुकेशनल को लेकर, ठीक है, और जो आपका वर्क को लेकर भी क्या हुआ, काफ़ी रिफॉर्म्स आए। तो ये जो डेवलपमेंट है इन्होंने लोगों में एक क्वेश्चन पूछने की एक आशा जगाई, ठीक है, इनके माइंड में क्या है, क्रूशल क्वेश्चन आया इसको लेकर, व्हाट इज़ दिस कंट्री ऑफ इंडिया, कि ये इंडिया की कंट्री क्या है, मतलब ये इंडिया कंट्री और ये किसके लिए बनी है। द आंसर दैट ग्रेजुअली इमर्ज वॉज, इसका जो आंसर आया क्या आया कि इंडिया क्या है, वॉज द पीपल ऑफ इंडिया, इंडिया क्या है, इंडिया के लोग ही हैं। ऑल द जो चाहे वो कोई भी लोग हैं, चाहे किसी भी क्लास के हैं, कलर के हैं, कास्ट क्रीड के हैं, लैंग्वेज के जो भी बोलते हैं, चाहे किसी भी जेंडर के हैं, ऑल द कंट्री इट्स रिसोर्सेज एंड सिस्टम वर मेंट फॉर ऑल ऑफ देम, ठीक है, और पूरी कंट्री और उसके जो भी उसके अंदर चीज़ें हैं, जो भी सिस्टम हैं, वो सब उन्हीं के लिए बने हैं। विद दिस आंसर केम द अवेयरनेस दैट ब्रिटिश वर एक्सरसाइजिंग कंट्रोल ओवर द रिसोर्स ऑफ इंडिया, ठीक है, जब उनके माइंड में ये आया कि इंडिया उन्हीं लोगों का ही है और इसमें सारे रिसोर्स उन्हीं के हैं, तो ये क्या आया इनके माइंड में क्वेश्चन कि ब्रिटिश क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं इंडिया के रिसोर्सेज पर और जो ज़िंदगी है इंडिया के लोगों की उसके ऊपर भी। एंड अनटिल द कंट्रोल वॉज एंडेड इंडिया कुड बी नॉट बी फॉर इंडियंस, ठीक है, और अगर ये कंट्रोल ओवर नहीं हुआ तो इंडिया में इंडियंस मतलब नहीं रहेंगे एक तरीके से, तो इंडिया मतलब जब उनका ही राज चलेगा तो इंडिया कहाँ से रहेगा।
दिस कंसीडरेशंस बिगन टू बी क्लियरली स्टेटेड बाय द पॉलिटिकल एसोसिएशंस। ठीक है, तो जो पॉलिटिकल एसोसिएशन बनी 1850 में, ठीक है, तो उनके माइंड में क्या है, क्वेश्चन आया, चेतना आई, ठीक है, ये सब क्वेश्चन आए उनके माइंड में, तो उन्होंने फिर क्या किया, एक्ट किया उनके अकॉर्डिंग। तो पॉलिटिकल एसोसिएशंस बनी आपकी 1850 में, स्पेशली जो कि आपकी बनी थी 1870 से लेकर 1880 तक। मोस्ट ऑफ दीज वर लेड बाय इंग्लिश, तो इसमें से जो ज़्यादा इसमें लोग थे कौन थे, वो इंग्लिश एजुकेटेड प्रोफेशनल्स एज लॉयर्स, मतलब इंडिया के ही लोग थे जो कि मतलब इंग्लिश एजुकेशन जिन्होंने पाई थी, और लॉयर्स भी थे उसमें से। द मोर इम्पोर्टेंट वंस वर द पूना सार्वजनिक सभा, तो इसमें से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपकी जो एसोसिएशंस बनी उस समय, तो एक क्या थी उसमें, इंडियन एसोसिएशन हो गई आपकी सार्वजनिक सभा, द मद्रास महाजन सभा, द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, एंड ऑफ कोर्स इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, तो ये कुछ एसोसिएशन थी इम्पोर्टेंट। नोट द नेम पूना सार्वजनिक सभा, अब आपको यहाँ पे नेम समझना है, पूना सार्वजनिक सभा इसका मतलब क्या है, द लिटरल मीनिंग ऑफ सार्वजनिक, ठीक है, सार्वजनिक का मतलब क्या है, ऑफ और फॉर द पीपल, ऑफ का मतलब लोगों का और लोगों के लिए, ऑफ और फॉर द पीपल। सर्वा का मीन्स क्या होता है, ऑल, ठीक है, और जनिक, ठीक है, सर्वा का मतलब सब और जनिक मतलब लोगों का, तो सब लोगों का, तो ये देश के सभी लोगों के लिए बनी थी सभा। दो मैनी ऑफ दिस एसोसिएशन फंक्शन इन स्पेसिफिक पार्ट्स, ठीक है, तो ऐसी बहुत सी एसोसिएशन अलग अलग पार्ट में कंट्री के बनी, और इनका गोल क्या था, क्लियर था कि ये गोल किसके लिए है, लोगों के लिए है, जो भी कर रहे हैं वो इंडिया के लोगों के लिए एसोसिएशन है ये, और ये किसी एक रीजन या कम्युनिटी या फिर क्लास के लिए नहीं है, ये किसके लिए है, आपकी पूरी जो लोग हैं इंडिया में। दे वर्क विद द आइडिया दैट पीपल शुड बी सोवरेन, ठीक है, जो ये कम्युनिटी जो है एसोसिएशन थी वो किस मोटिव से काम कर रही थी, कि ये लोग क्या होंगे, सोवरेन मतलब उनके अंदर इतनी कैपेसिटी होगी कि वो एक्ट इंडिपेंडेंटली एक्ट कर सकें, मतलब आज़ादी से एक्ट कर सकें, किसी भी विदाउट इंफ्लुएंस आउटसाइड, जैसे कि ब्रिटिशर्स इंटरफेयर कर रहे थे डिसीजन मेकिंग में, ठीक है, तो सोवरेन हो सकें, खुद से डिसीजन ले सकें इंडिपेंडेंटली। ठीक है, तो अ मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन एंड अ की फीचर ऑफ नेशनलिज्म, क्या है, एक मॉडर्न कॉन्शियसनेस आए उनके माइंड में, मतलब जो देश को लेकर नेशनलिज्म की फीलिंग आए, और अपने लिए खुद सोच सके वो। इन अदर वर्ड्स दे बिलीव दैट द इंडियन पीपल शुड बी एम्पावर्ड टू डिसीजन रिगार्डिंग द एयर अफेयर्स, ठीक है, तो वो ये चाहते थे कि जो इंडिया के लोग हैं शुड बी एम्पावर, वो अपने जो अफेयर्स हैं, अपनी जो भी मैटर है उससे रिलेटेड वो खुद क्या कर सकें, डिसीजन ले सकें। द डिससैटिस्फैक्शन विद ब्रिटिश रूल इंटेंसीफाइड इन द 1870s एंड 1880s, ठीक है, तो डिससैटिस्फैक्शन असंतुष्टि थी ब्रिटिशर्स रूल से, वो कब दिखाई दी हमें, 1870 और 1880 में, ठीक है, जैसे कि क्यों हुई थी, जैसे कि उन्होंने आर्म एक्ट पास कर दिया था 1878 में, तो इसमें जो इंडियंस थे उनको मतलब कोई भी हथियार या फिर औजार रखने की क्या नहीं थी, इजाज़त नहीं थी, तो इसी ईयर में वर्नैकुलर प्रेस एक्ट भी पास हुआ, इसमें क्या था, इसमें ये था कि टू साइलेंस दोज क्रिटिकल गवर्नमेंट, कि कोई भी क्या नहीं कर सकता, गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी बोल नहीं सकता, ठीक है, तो इसमें एक्ट में ये क्या था, इन ऑफ टू साइलेंस दोज हुअर, ठीक है, सब क्या रहेंगे, चुप रहेंगे जो भी किसका अपोज कर रहे हैं, गवर्नमेंट का। द एक्ट अलाउड द गवर्नमेंट टू कन्फिस्केट द एसेट ऑफ न्यूज़पेपर, ठीक है, तो जो गवर्नमेंट थी इसमें, तो उसको क्या हक था कि वो सारे एसेट्स ले लें न्यूज़पेपर वालों के, चाहे वो उसकी प्रिंटिंग प्रेस हो, इफ़ द न्यूज़पेपर पब्लिश्ड एनीथिंग दैट वाज फाउंड ऑब्जेक्शनेबल, अगर उनके न्यूज़पेपर में कुछ भी मतलब उनके खिलाफ मिल गया तो उनकी वो प्रिंटिंग प्रेस बंद करा देंगे। इन 1883 देयर वॉज अ फ्यूवर द अटैम्प्ट बाय द गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस द क्या था, एल्बर्ट बिल, तो उन्होंने क्या कर दिया था, कोहराम मचा दिया था वहाँ पर, मतलब उसमें भी लड़ाई करने लग गए थे वो कि एल्बर्ट बिल पास नहीं होना चाहिए। तो इस बिल में क्या था, द बिल प्रोवाइडेड फॉर द ट्रायल ऑफ ब्रिटिश और यूरोपियन पर्सन बाय इंडियंस, मतलब इस बिल में ये था कि जो ये ब्रिटिशर्स हो गए या फिर यूरोप के जो भी पर्सन आ रहा है, तो इंडिया के लोगों को यह हक है कि वो उनका क्या करेंगे, परीक्षण ले सकें, इम्तिहान ले सकें या फिर टेस्ट ले सकें, तो इनके इसके खिलाफ भी उन्होंने मतलब क्या किया था, इसे तोड़ने का, इसके खिलाफ लड़ाई की थी उन्होंने। एंड सोर्ट इक्वालिटी
बिटवीन ब्रिटिश एंड इंडियन जजेस इन द कंट्री, ताकि क्या हो सके फैसला लेने में, ठीक है, इंडियन का जब जज हो चाहे ब्रिटिश का जज हो, दोनों को क्या मिले, इक्वालिटी मिले कंट्री में डिसीजन लेने के लिए। बट व्हेन वाइट अपोजिशन फोर्स द गवर्नमेंट टू विदड्रॉ द विल, पर जब जो वाइट गवर्नमेंट है वाइट बट वाइट अपोजिशन, ठीक है, तो जो वाइट लोग थे उन्होंने अपोज किया इस बिल का कि ये नहीं आना चाहिए, तो इंडिया वर इंडियंस वन इंग्रेज, तो इंडिया के जो लोगों में बहुत ही गुस्सा आ गया। द इवेंट हाईलाइटेड द रेशियल, तो इससे क्या, इस एक्ट से हमें ये भी पता चलता है कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने यहाँ पे क्या किया था, एक रेशियल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब एक जातिवाद किया था एक तरीके से रेशिज्म, कि हम गोरे हैं और जो ये इंडियंस है ये नहीं कर सकते हैं चूँकि इनका स्किन का कलर है, और भी बहुत रीज़न रहे थे। द नीड फॉर ऑल इंडियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेटेड इंडिया हैज़ बीन फेल्ट, ठीक है, तो न्यू ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन बनाने की ज़रूरत हमको कम महसूस हुई थी 1880 में, पर जब इल्बर्ट बिल पास हुआ उसके बारे में चर्चा होने लगी, ठीक है, तो इससे जो डिज़ायर थी अंदर भावना की ये होनी ही चाहिए सेटअप, तो ये वहाँ से जब ज़्यादा मजबूत हुई। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बनी आपकी, 72 डेलीगेट्स के साथ, 72 मेंबर्स जो थे उसमें सबसे पहले बने थे, ठीक है, तो सारे कंट्री अलग अलग जगह से, चाहे बॉम्बे से हो चाहे नहीं, तो 72 जो डेलीगेट्स बॉम्बे में मिले दिसंबर 1885 में, तो इसमें अर्ली लीडरशिप किसकी थी मेंबर्स की, दादाभाई नौरोजी की, फिराज़ शाह मेहता, बदरुद्दीन त्याबजी, डब्ल्यू सी बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, रोमेश चंद्र दत्त, एस सुब्रमण्यम अय्यर, अमंग अदर, ठीक है, तो ये ज़्यादातर इसमें लोग कहाँ के थे, बॉम्बे और कलकत्ता के थे, ठीक है। जो नावराव जी थे वो क्या थे, एक बिजनेसमैन भी थे और पब्लिसिस्ट थे, और ये लंदन में सेटल हुए थे। तो पब्लिसिस्ट क्या होता है, एक ऐसा आदमी जो कि क्या बनाए अपने आइडिया को, मतलब अपने आइडिया को या तो लिख कर, या तो बोल कर, या फिर रिपोर्ट के ज़रिए, या मीटिंग्स में बोल कर क्या करे, व्यक्त करे, पब्लिसिस्ट उसे कहते हैं। तो वो लंदन सेटल हुए थे, उस लंदन से मतलब सेटल रह के आ रखे थे वो, एंड फॉर अ टाइम मेंबर ऑफ, और ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी क्या थे वो, मेंबर्स थे। गाइडेड द यंगर, तो इन्होंने जो इंडियन नेशनल यंगर नेशनलिस्ट थे, ठीक है, युवा कार्यकर्ता, उनमें नेशनलिस्ट की फीलिंग्स जगाई। एक ब्रिटिश रिटायर ऑफिशियल थे एओ ह्यूम, तो इन्होंने भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, जो इंडियंस थे उनको अलग अलग जगह से इकट्ठा किया। ये देखिए दादाभाई नौरोजी, तो इन्होंने क्या लिखी है, एक बुक लिखी है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, जिसमें कि क्या दिखाया गया है, क्रिटिसिज दिखाया गया, आलोचना की गई है जो इकोनॉमी के बारे में, कि कैसे जो ब्रिटिश रूल का इम्पैक्ट पड़ा है इस पे, इकोनॉमी ऑफ इंडिया पे। अब देखिए अ नेशन इन मेकिंग, ठीक है, राज्य का बनने में, ठीक है, राज्य बन रहा था एक। इट हैज़ ऑफ्टन बीन सेड, ठीक है, द कांग्रेस इन द फर्स्ट 20, ठीक है, तो कांग्रेस फर्स्ट 20 ईयर्स में क्या क्या उन्होंने कैसी पॉलिसी यूज़ की, मॉडरेट पॉलिसी यूज़ की, और इन इट्स ऑब्जेक्टिव एंड मेथड्स, ठीक है, तो उन्होंने कैसे, मतलब मॉडरेट, मतलब जो कि प्लान की गई हो, मतलब सॉफ्ट से, और मतलब जो किसी को हार्म ना पहुँचाए, ठीक है, मतलब पॉलिसीज़ को फॉलो करे, और नॉन वायलेंस, मतलब कुछ ऐसी मॉडरेट थी, मतलब रूल्स रेगुलेशन के तरीके से चल रही थी जो कांग्रेस थी। तो इस पीरियड में क्या हुई, बहुत सी डिमांड हुई ग्रेट वॉइस इंडिया के लिए, और गवर्नमेंट में क्या हुई, बहुत आवाज़ उठाई गई इंडिया के लोगों के लिए, और इन एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जो वहाँ के डिसीजन मेकिंग में वो पार्ट ले सकें। इट वॉन्टेड द लेजिस्लेटिव काउंसिल टू बी मेड मोर रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, तो इन्होंने क्या मांग की, विधायकों का काउंसिल था, कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या बने वहाँ पर, रिप्रेजेंटेटिव बने, मतलब जो आपके लीडर्स होते हैं इलेक्ट होने में, जो आगे जाके आपके क्या करते हैं, आपके लिए लड़ते हैं यहाँ पर सरकार में, तो उनकी संख्या बढ़ाई जाए। गिवन मोर पावर एंड इंट्रोड्यूस इन प्रोविंसेस वेयर नॉन एग्जिस्टेड, ठीक है, पावर दी जाए उन्हें ज़्यादा, और एंड इंट्रोड्यूस इन प्रोविंसेस वेयर नॉन एग्जिस्टेड, मतलब ये जो लीडर्स हैं वहाँ पर भेजे जाएँ उन जगह पर जहाँ पर बिल्कुल भी, मतलब क्या नहीं है आपके रूल्स रेगुलेशन, मतलब लोग फॉलो नहीं करते, ठीक है, तो वहाँ से क्या करेंगे डेवलपमेंट हो सके। इट डिमांडेड दैट इंडियंस बी प्लेस इन हाई पोजिशन, तो इंडियंस को जो हाई पोजिशन मिले गवर्नमेंट में, तो और इसके लिए उन्होंने क्या बोला कि आप क्या कराइए, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन कराइए, ठीक है, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन कराइए, जो कि इंडिया में भी होगा,
ठीक है, बल्कि सिर्फ जैसे कि लंदन में होता है, ना ही सिर्फ वहाँ पर कराइए आप, पर यहाँ पर भी कराइए। द डिमांड फॉर इंडियनाइजेशन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन वॉज अ पार्ट ऑफ मूवमेंट। ठीक है, तो डिमांड हुई इंडियनाइजेशन की। ठीक है, इंडियनाइजेशन मतलब जो इंडिया के लोग हैं उन्हें भी मौका दिया जाए। किसके लिए? एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। एडमिनिस्ट्रेशन जैसे कि आपको पता है क्या मतलब, कोई भी फैसला लेने के लिए, चाहे वो किसी भी हो, चाहे जुडिशरी में हो। ठीक है, वॉज अ पार्ट ऑफ अ मूवमेंट अगेंस्ट रेशिज्म। तो ये मूवमेंट थी रेशिज्म, जातिवाद के खिलाफ एक मूवमेंट थी ये। सिंस मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉब्स, ठीक है, तो चूंकि उस समय क्या था, ज़्यादा से ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जॉब्स थी मोनोपलाइज थी, मतलब बाय वाइट, सिर्फ मतलब वो पहले से ही फिक्स होती थी जॉब कि ये ब्रिटिश वाइट लोग हैं, ऑफिशियल्स हैं उनकी, इनको ही मिलेगी ये जॉब। एंड ब्रिटिश जनरली अज्यूम दैट ब्रिटिश इंडियन कुड नॉट बी गिवन पोजिशन। ठीक है, तो जो ब्रिटिशर थे वो ये सोचते थे कि जो इंडियंस को है पोजिशन नहीं दी जानी चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो उन्हें लगता था रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा पाएंगे। सिंस ब्रिटिश ऑफिसर्स वर सेंडिंग अ मेजर पार्ट ऑफ, तो ब्रिटिश ऑफिसर क्या करते थे, बहुत से ज़्यादा पार्ट अपना कहाँ भेजते थे, अपने घर भेजते थे, सैलरी यहाँ से कमाते थे और अपने देश में भेजते थे इंग्लैंड में। ठीक है, तो इंडियनाइजेशन होगा तो वो क्या सोचते थे कि इससे उनकी जो है इनकम, इतने जो पैसे कमा रहे हैं वो कम हो जाएंगी और उनके देश में भी नहीं जा पाएंगी। अदर डिमांड्स इंक्लूड द सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। तो एक और डिमांड क्या थी कि जो सेपरेशन हो, जो न्यायपालिका है उसका क्या हो, सेपरेशन हो फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। ठीक है, मतलब एक जना नहीं चलाए उसे, ठीक है, मतलब एक ही जो आदमी रहता है वो चेंज हो जुडिशरी में भी लोग, ठीक है, उस और को भी मौका मिले। और क्या हो, रिपील ऑफ आम, जो आम एक्ट था उसको क्या करें, रिपील करें, मतलब हटा दे। द फ्रीडम ऑफ स्पीच, सब क्या करें, बोलने का अधिकार हो और मैं आपको व्यक्त करने का अधिकार हो, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच हो। द अर्ली कांग्रेस ऑल्सो रेज अ नंबर ऑफ इकोनॉमिक इशू, जो अर्ली कांग्रेस आई थी उन्होंने इकोनॉमिक आर्थिक स्थिति से रिलेटेड, ठीक है, देश की इनकम से रिलेटेड भी इशूज़ रहे। तो इट डिक्लेयर द ब्रिटिश रूल हैड लेड टू पॉवर्टी। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया कि जो ब्रिटिशर्स ने राज किया है इससे ही क्या हुआ है, इंडिया के लोग पॉवर्टी हुए हैं और फेमाइंस हुए हैं, फेमाइंस सूखा पड़ा है, और इंक्रीज मतलब लैंड रेवेन्यू टैक्स इतने मतलब बढ़ाए हैं उन्होंने, टैक्स करे हैं इम्पोवराइज्ड पीजेंट्स, ठीक है, जो गरीब किसान हैं, जमींदार हैं, उनको और गरीब बना दिया, और जो ग्रेन्स था का अनाज था वो वहाँ पे यूरोप में ट्रांसपोर्ट कर दिया, और यहाँ पे फूड की शॉर्टेज होने लगी। तो कांग्रेस ने डिमांड की कि क्या हो, जो रेवेन्यू टैक्स में क्या हो, कम कम से कम पैसा काटे वो टैक्स में, और जो अपने मिलिट्री के लिए वो खर्चा कर रहे हैं वो कम करें, और ज़्यादा से ज़्यादा फंड किसके लिए दें, इरिगेशन के लिए, पानी के लिए। तो इट पास मैनी सोल्यूशन, ठीक है, ये बोला गया कि क्या किस में सुधार करें आप, सॉल्ट टैक्स, सॉल्ट पे जो टैक्स लगा रहे हैं आप, ट्रीटमेंट ऑफ इंडियन लेबर्स अब्रॉड, जो बाहर देश में इंडियन लेबर्स काम कर रहे हैं उनके साथ अच्छे से व्यवहार हो, एंड सफरिंग ऑफ द फॉरेस्ट डिवेलर्स, जो इसे हमने पढ़ा था चैप्टर 7 में, आयरन सीवर स्मेल्टर्स में पढ़ा था ना हमने, कैसे जो ब्रिटिशर्स थे वो आ गए थे बीच में, इंटरप्ट कर दिया था फॉरेस्ट में जो वहाँ के ट्राइबल्स लोग थे, और वहाँ से फिर उन्हें टैक्स देना पड़ता था। ठीक है, तो क्या हुआ, फॉरेस्ट डिवेलर्स की लाइफ मतलब उसमें इंटरफेयर करने लगे हो, तो उसमें क्या ना हो, सुधार लाएँ। ऑल दिस शोज दैट डिस्पाइट बींग अ बॉडी ऑफ एजुकेटेड इलाइट। ठीक है, तो हमें इससे पता चलता था कि जैसे कि कांग्रेस जो पार्टी थी आप कह सकते हैं एक तरीके से, जो एसोसिएशन, तो इसमें बहुत पढ़े लिखे लोग थे, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो जो जमींदार थे और जो आपके इंडस्ट्रियलिस्ट लोग थे उनका ही साथ दे रहे थे, वो हर किसी का साथ दे रहे थे चाहे वो गरीब हो। द मॉडरेटर लीडर्स वॉन्टेड टू डेवलप पब्लिक अवेयरनेस। ठीक है, तो ये क्या चाहते थे, जो लीडर्स थे उसमें पब्लिक अवेयरनेस हो, मतलब जागरूकता है लोगों में, और जो गलत है वो, जो ब्रिटिशर्स का नेचर गलत है उसके बारे में जान सके, ब्रिटिश रूल के बारे में। दे पब्लिश न्यूज़पेपर, तो उन्होंने अब क्या लिखना शुरू किया, न्यूज़पेपर और आर्टिकल, और ब्रिटिश रूल कैसे हमारी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन को मतलब आर्थिक स्थिति को गिरा रहा है, जो दिखाएं। तो इसमें आलोचना की गई है, जो कांग्रेस पार्टी है उन्होंने ब्रिटिश के रूल के बारे में स्पीचेस दी गई है, एंड सेंट रिस्पेक्टेड टू देयर पार्ट्स, और अलग अलग कंट्रीज़ के पार्ट में ये सेंड की गई हैं ताकि लोग अपना ओपिनियन को बदलें और आवाज़ उठाएं। दे फेल्ट दैट द ब्रिटिश हैड रिस्पेक्ट फॉर द आइडल्स ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो वो ये चाहते थे ब्रिटिश के मन में क्या हो, इज्जत हो, जो कि आइडल्स है, जो कि हक है आज़ादी और जस्टिस, न्याय का सबके लिए।
एंड सो दे वुड एक्सेप्ट द जस डिमांड्स। तो उनको क्या करना पड़ेगा इसके लिए, इंडियंस की डिमांड्स को पूरा करना होगा, अपनाना होगा, एक्सेप्ट करना होगा। व्हाट वाज नेसेसरी, तो इसके लिए क्या था नेसेसरी कि जो लोग हैं अपनी डिमांड एक्सप्रेस करें और गवर्नमेंट को अवेयर करें, अवेयर गवर्नमेंट को बताएं कि वो क्या सोच रहे हैं। फ्रीडम इज़ अवर बर्थ राइट, जो आज़ादी है हमारा क्या है, जन्म अधिकार है। तो 1890s में बहुत से इंडियन आए और उन्होंने क्या क्वेश्चन किया कि कैसे ये इंडियन कांग्रेस है, पॉलिटिकल पार्टी कैसे चल रही है। तो बंगाल से काफ़ी लीडर हमारे सामने आए, महाराष्ट्र पंजाब से लीडर जैसे कि आपका बिपिन चंद्रपाल और बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, एक रेडिकल ऑब्जेक्टिव्स अपनाया, मेथड्स मतलब रेडिकल ऑब्जेक्टिव मतलब ये करना है तो करना ही है, मतलब हम किसी की नहीं सुनेंगे, ठीक है, मतलब जो मान लिया तो मान लिया। एक बार दे क्रिटिसाइज द मॉडरेट्स, तो उन्होंने जो मॉडरेट्स था मतलब जो रूल्स रेगुलेशन से काम कर रहे थे और सॉफ्ट तरीके से काम कर रहे थे, तो उन्होंने ये क्या कहा उन्हें कि पॉलिटिक्स ऑफ प्रेयर, कि मतलब तुम ये प्रार्थना कर रहे हो ना, प्रार्थना मत करो तुम ये ब्रिटिशर्स से, ठीक है। पॉलिटिक्स क्या है, प्रार्थना। एंड इम्पेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ रिलायंस, तो उन्होंने क्या कहा तुम्हें अपनी इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए, सेल्फ रिलायंस होना चाहिए, खुद पर डिपेंडेंट एंड कंस्ट्रक्टिव वर्क, और क्या करना चाहिए इनके खिलाफ, कंस्ट्रक्टिव वर्क मतलब काम करना होगा इनके खिलाफ जब ये सुधरेंगे। दे आर्ग्यू दैट पीपल मस्ट रिलाय ऑन देयर, लोगों को अपनी ताकत के ऊपर भरोसा होना चाहिए और सिर्फ अच्छी मतलब फीलिंग्स अच्छी बातें रखने से गवर्नमेंट के सामने नहीं होगा, लोगों को क्या बनना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा स्वराज के लिए। तिलक रेज्ड 10 लोगों, जो तिलक थे उन्होंने अपना स्लोगन दिया था कि फ्रीडम हमारा जन्म अधिकार है और ये हमें मिलकर ही रहेगा, और ये मतलब आई शैल हैव इट मतलब मुझको ही मिलकर रहेगा। तो 1905 में जो वाइसरॉय कर्जन थे उन्होंने बंगाल का पार्टीशन कर दिया था। तो उस टाइम में बंगाल क्या था, सबसे बड़ी एक जगह थी, प्रोविंस थी, राज्य था जहाँ से वो राज करते थे, ब्रिटिश इंडिया इंक्लूड। तो इसमें क्या था, बिहार और दूसरे पार्ट ऑफ ओडिशा भी आते थे। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, बंगाल डिवाइड कर दिया, और रीज़न क्या दिया, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए, मतलब बोलने लगे कि इससे हम इंडिया को अच्छी तरीके से चला पाएंगे, अच्छे तरीके से हैंडल कर पाएंगे। पर व्हाट एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, कैसे चलाएंगे, किस तरीके से चलाएंगे, इसका मतलब क्या था, व्हाट कन्वीनियंस डिड इट रिप्रेजेंट, कैसा कन्वीनियंस रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो इसमें कुछ कन्वीनियंस नहीं क्रिएट कर रहे थे क्लियरली, वो क्या कर रहे थे, दे टाइड टू, वो अपना फ़ायदा बना रहे थे, इंटरेस्ट जिसके लिए उन्होंने क्या किया था, डिवाइड किया था, किस लिए डिवाइड किया था, ताकि उन्हें फ़ायदा हो बिजनेस में। जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे और बिजनेसमैन थे, इनको क्या हो रहा था, जैसे कि हमने चैप्टर में पढ़ा था, है ना, जब बंगाल में पोर्ट था और डिवाइड हो गया था, ठीक है, तो वहीं पे अब ट्रेड होती थी। तो ये अपने फ़ायदे के लिए क्या, इवन सो इंस्टेड ऑफ रिमूविंग द नॉन बंगाली एरियाज फ्रॉम द प्रोविंस, तो उन्होंने जो नॉन बंगाली थे वो नहीं हटाए अपने एरिया से, द गवर्नमेंट सेपरेटेड, तो गवर्नमेंट ने ईस्ट बंगाल को हटा दिया, अलग कर दिया वेस्ट बंगाल से, और इसको आसाम के साथ जोड़ दिया। परहैप्स द मेन ब्रिटिश, तो मेन ब्रिटिश का मोटिव क्या था, टू कर्टेल द इन्फ्लुएंस ऑफ बंगाली पॉलिटिशियन, कि जो बंगाली पॉलिटिशियंस है तो उनका बंगाली क्या हो जाए, मतलब तोड़ दिए एक तरीके से उनके बीच में बॉन्डिंग, और उनके लोगों को क्या कर दें, अलग कर दें बंगाल के लोगों को, तो ये चाहते। तो द पार्टीशन ऑफ बंगाल, तो बंगाल का जब पार्टीशन हुआ तो लोगों में बहुत गुस्सा भर गया, ठीक है। तो ऑल द सेक्शंस ऑफ कांग्रेस द मॉडरेट्स, तो अब क्या हुआ, जितने भी सेक्शंस थे इंडिया के, चाहे वो मॉडरेट हो, ठीक है, चाहे वो रेडिशियल हो, मॉडरेट मतलब जो रूल्स रेगुलेशन फॉलो कर रहे थे, रेडिशियल मतलब जो स्ट्रेंथन मतलब एक तरीके से लड़ाई की भावना कर रहे थे, तो उन्होंने दोनों ने अपोज किया दोनों। फिर क्या हुआ, पब्लिक मीटिंग्स हुई और नोवल मेथड्स अपनाए गए, पब्लिक मीटिंग्स हो गई, बोला गया वहाँ पर, और लोगों को इकट्ठा किया गया। तो इस मूवमेंट का नाम स्वदेशी मूवमेंट पड़ा। तो सबसे ज़्यादा एक अब कहाँ थी स्ट्रॉन्ग, बंगाल में हुई थी, पर इसकी जो गूंज थी वो चारों तरफ गूंज रही थी। तो आंध्र प्रदेश में इस मूवमेंट को आंध्र प्रदेश वंदे मातरम मूवमेंट के नाम से भी जाना गया। ये देखिए आपके बाल गंगाधर राव तिलक हैं, इनकी फ़ोटो है, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, नेम है इनका, देखिए न्यूज़पेपर पे, और केसरी, केसरी क्या है, मराठी न्यूज़पेपर है जो तिलक जी ने एडिट किया था।
और इन्होंने क्या किया था, बहुत आलोचना की थी ब्रिटिश रूल के बारे में। देखिए कितनी सारी भीड़ इकट्ठी है यहाँ पर, ठीक है, रोड पूरी भरी हुई है पीछे तक, ठीक है। तो हज़ारों लोग इसमें स्वदेशी मूवमेंट में पार्ट लिया था। तो स्वदेशी मूवमेंट देखिए, जो स्वदेशी मूवमेंट थी इसने अपोज किया था ब्रिटिश रूल का और एनकरेज किया था आइडिया कि हम अपने क्या करें, खुद की मदद खुद से ही करें, ठीक है। तो स्वदेशी एंटरप्राइज होने लगी, नेशनल एजुकेशन होने लगी और नेशनल लैंग्वेज का ही यूज़ होने लग गया। मतलब सब चीज़ें हम क्या करेंगे, देश की ही यूज़ करेंगे। टू फाइट फॉर स्वराज द ट्रेडिशनल एडवोकेटेड मास मोबिलाइजेशन एंड बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन एंड गुड्स। जैसे कि आपको पता होगा कि क्या हो गया था, ब्रिटिशर्स के गुड्स यूज़ करना बंद कर दिए थे और वहाँ से पढ़ना भी बंद कर दिया था जो उनके इंस्टीट्यूशन थे। तो इससे क्या थी, ये आपकी लड़ाई थी स्वराज के लिए, द ट्रेडिशनल एडवोकेटेड मास मोबिलाइजेशन, ठीक है। तो सम इंडिविजुअल ऑल्सो बिगेन टू सजेस्ट दैट, ठीक है। तो इंडिविजुअल्स क्या बोलने लगे कि रेवोल्यूशनरी वायलेंस क्या है, ज़रूरी है ताकि जो ब्रिटिशर्स हैं उन्हें यहाँ से बाहर फेंका जा सके। तो रेवोल्यूशनरी वायलेंस क्या है आपका, क्या हो सके, रेडिशल चेंज हो सके, जातिवाद जाति में चेंज हो सके, मतलब एक ही जाति के लोग रहे, मतलब ब्रिटिशर्स ना आए उनको यहाँ से फेंक दिया जाए बाहर। द ओपनिंग डेकेड्स, ठीक है, जो शुरू के स्टार्टिंग के 20th सेंचुरी के मतलब कुछ 10-20 साल थे, ठीक है। तो ये डेवलपमेंट के साल माने जाते हैं। एक ग्रुप था मुस्लिम लैंडलॉर्ड्स का, नवाब्स का, तो इन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनाई थी ढाका में 1906, ठीक है। तो इसमें जो पार्टीशन हुआ था बंगाल का, इसमें सपोर्ट कर रहे थे ब्रिटिशर्स को, और इन्होंने क्या मांग की फिर उसके बदले में, कि हमारे अलग से एक गवर्नमेंट बने, अलग से क्या बनाए, हमारे इलेक्टोरेट्स बने, मतलब एक कैंडिडेट बने। तो 1909 में उनको दे दिया गया, ठीक है, कैंडिडेट। तो सम सीट्स इन द काउंसिल्स, ठीक है, अब कुछ सीट्स थी जो काउंसिल में रिजर्व हो चुकी थी मुस्लिम के लिए, तो उन्हें सिर्फ मुस्लिम वोटर्स ही इलेक्ट कर सकते थे। तो इससे क्या हुआ, जो पॉलिटिशियन थे उसमें क्या होगा, एक डिस्ट्रीब्यूटिंग फेवर्स आ गया, मतलब जो रिलीजियस ग्रुप है वही अपने रिलीजन को वोट देगा, तो एक रिलीजियस क्या हो गया, फेवर हो गया एक तरीके से। मीनवाइल द तो कांग्रेस भी क्या हुई, अलग हो गई 1907 में। द मॉडरेट्स वर अपोज टू यूज़ ऑफ बॉयकॉट, ठीक है, जो मॉडरेट्स थे उन्होंने क्या कहा कि बॉयकॉट मतलब हमें यूज़ कर लेना चाहिए, हटा देना चाहिए बॉयकॉट। दे फेल्ट दैट कि इसमें क्या लग रहा है, हमारी फोर्स लग रही है इसमें, तो बहुत लड़ाई हो रही है जो बॉयकॉट मूवमेंट है, ठीक है। तो जब स्प्लिट हुआ, कांग्रेस केम टू बी डोमिनेटेड बाय द मॉडरेट्स, ठीक है, जो कांग्रेस हिस्सा हुआ तो ये मॉडरेट से हो गया, मतलब मॉडरेट जो पॉलिसी यूज़ कर रहे थे, किस पॉलिसी का मेथड यूज़ कर रहे थे उनके इस मतलब उनका ज़्यादा जोर था। तो तिलक फॉलोअर्स फंक्शनिंग, जो तिलक फॉलोअर्स थे वो बाहर से इस पर काम कर रहे थे। तो दो ग्रुप फिर दोबारा से मिल गए 1950 में दिसंबर। नेक्स्ट ईयर द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग, तो उसके अगले ही साल जो कांग्रेस और मुस्लिम थी साइंड द हिस्टोरिक लखनऊ पैक्ट, ठीक है, तो वो भी आपस में मिल गई एंड डिसाइड एक साथ उन्होंने काम करने का फैसला किया टुगेदर फॉर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट और कंट्री को, ताकि वो दिखा सके अपने देश की सरकार को दिखा सकें एक साथ, ठीक। काउंसिल क्या होती है, एक इलेक्टेड बॉडी होती है लोगों की, मतलब कुछ इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं जिससे कि क्या होते हैं, क्या क्या फंक्शन होंगे देश में, पॉलिसी क्या होंगी, एडवाइस तरीके से, मतलब सब काम रिप्रेजेंटेटिव फंक्शन तरीके से होता है। स्टूडेंट से द ग्रोथ ऑफ नेशनल मास नेशनलिज्म ये पढ़ेंगे हम आपका पार्ट 2 में। तो थैंक यू, पार्ट 1 कम्प्लीट हो चुका है।